अंग्रेजी की एक कहावत मशहूर है कि रोजाना का एक सेब का इस्तेमाल आपको डॉक्टर से दूर रख सकता है। सेहत के लिए बेहद मुफीद ये फल मज़ेदार और खुश जायका भी है और खुश जायका फल के हैरान कुन फवायद भी हैं। हड्डियां मजबूत करना। हड्डियां इंसानी जिस्म का सबसे ज़रूरी हिस्सा हैं। अमूमन बढ़ती उम्र के साथ साथ हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कम उम्र बच्चों या नौजवानों को भी हड्डियां कमज़ोर होने की शिकायत होती हैं। लेकिन अब हड्डियों की कमज़ोरियों का शिकार लोग परेशान होना छोड़ दें। हर रोज़ एक सेब खाने से आप हड्डियों की कमज़ोरी से बच सकते हैं। दमा के मरीजों को चाहिए कि वो फलों में ज़्यादा से ज़्यादा सेब को तरजीह दें। सेब दमा के मरीजों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। जिगर के कैंसर की रोकथाम के लिए भी सेब बेहद मुफीद है। सेब में मौजूद मुतअद्दिद खसूसियात जिगर के कैंसर की रोकथाम में हैरत अंगेज तौर पर मददगार साबित हो सकते हैं। अल्जाइमर जो कि एक दिमागी बीमारी है, रोजाना की एक खुराक में सेब का इस्तेमाल इसकी रोकथाम में भी मदद देता है। अरबी तफा फारसी सेब, सिंधी सूफ अंग्रेजी एप्पल, इसका रंग सब्ज, जर्द और सुर्ख होता है। सेब का जायका शीरी होता है। इसका मिजाज गर्म और तर दूसरे दर्जे में है। तर्श सेब सर्द व खुश्क होता है। सेब से मुरब्बा और शरबत बनाया जाता है। इसकी मकदार खुराक सेब आध पाव, मुरब्बा सेब डेढ़ तोला, शरबत चार तोले तक है। इसके बेशुमार फवायद हैं। सेब मफरा दिल व दिमाग है, दिल को ताकत देता है। दिल की घबराहट की सूरत में ताज़ा सेब या इसका मुरब्बा खाना इंतहाई मुफीद होता है। इसमें फौलाद, विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी और सी भी होते हैं। सेब कदरे काबिज होता है लेकिन इसका मुरब्बा भूख बढ़ाता है, गर्मी को तस्कीन देता है, खून साले पैदा करता है, बशर्तिया सुबह और तीसरे पहर खाया जाए। चेहरे का रंग निखारता है, जिगर की इस्लाह करता है और इसे ताकत देता है, मेदे को ताकत देता है और फलमेदा को दुरुस्त करता है, हांपने और खफकान में मुफीद है, सांस की तंगी और खुश्क खांसी को बेहद मुफीद है। सेब कह को रोकता है और मतली का माना है, कमजोर मरीजों को बेहद मुफीद है। तर्श सेब काबिज होता है और कह का सबब भी बनता है। सेब दिल को शगुफ्ता और दिमाग को तरोताज़ा करता है। इस वजह से परेशानी वगैरह की सूरत में इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफत बढ़ाता है। सेब फलों में अपनी गिजाई अफादियत की बिना पर खास मकाम रखता है। अगर रोजाना दो सेब खाकर एक पाव दूध सुबह नहार मुँह पिया जाए तो 6 हफ्तों में इंसानी सेहत काबले रश्क हो जाती है। रात को सोते वक्त सेब खाना कब्ज कुशा असर रखता है। मेदे की कमजोरी और ज़ाफ जिगर की सूरत में तुर्श सेब इस्तेमाल करना मुफीद होता है। दिमागी काम करने वालों के लिए सेब खाना कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। ये खून में सुर्ख ज़र्रात पैदा करता है। सेब के जूस से पेट और आंतड़ियों के जरासीम दूर होते हैं और दफा बदबू भी है। गुर्दों की सफाई के लिए सेब से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। सेब के छिलकों से नहायत लजीज और खुशबूदार चाय तैयार की जा सकती है जो 40 साल से ऊपर ख्वातीनों हजरात के लिए बेहद मुफीद है।
सेब के छिलकों की चाय में अगर लीमू और शहद का इजाफा कर लिया जाए तो ये पेचिस और महरका बुखार की कमजोरियों को दूर करती है। अगर जोड़ों के दर्द वाले हजरात ये चाय इस्तेमाल करें तो इन्हें खासा फायदा होता है। सेब दांतों को मजबूत करता है, इसके इज्जा दांतों और मसूड़ों में जज़ब होकर इन्हें खासा मजबूत करते हैं। वैसे तो सेब अपने तमाम तर फवायद के साथ किसी भी वक्त खाया जा सकता है। अगर सेब को खाने के बाद खाया जाए तो ये हाजमे में मदद करता है। बच्चे की पैदाइश से पहले अगर सेब को मतवातर इस्तेमाल किया जाए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और हामला औरत मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज भी रहती है। 6 माह की उम्र वाले बच्चे को 2 चम्मच सेब का जूस रोजाना पिलाने से इसकी सेहत में इजाफा होता है और छोटी मोटी बीमारी भी बच्चे को नहीं लगती। पेचिस, टाइफाइड, तपदक और खांसी में सेब का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। दिलो दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए सेब का मुरब्बा खाना बहुत जरूरी होता है, इससे खून की कमी भी दूर हो जाती है। अजाय रईसा को ताकत देता है, असाबी कमजोरी इसके मुसलसल इस्तेमाल से दूर होती है। सेब का जूस जोश देकर 3-4 रोज तक तकरीबन 1 पाव रोजाना पिलाया जाए तो हर नशा करने वाले नशे को छोड़ देगा। मुकविये दिल दिमाग और मुकविये जिगर मुरब्बा तैयार करने के लिए उम्दा सेब 1 सेर लें। इन्हें एहतियात से छीलकर 1 सेर पानी में डालकर 2 जोश देकर उतार लें। पानी से सेब अलग करके 3 गुना 3 सेर चीनी मिलाकर कवाम तैयार करें। फिर सेब इस कवाम में मिला दें और सेबों को किसी छुरी से टक लगाएं। जब शीरा गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। ठंडा होने पर किसी शीशे के जार में महफूज कर लें और हस्बे जरूरत इस्तेमाल में लाएं। सेब के मुसलसल इस्तेमाल से बदन में फुर्ती और जिस्म में चुस्ती आ जाती है। सेब मुकविये बसर और हाफजे को तेज करता है। सर दर्द की सूरत में सेब के निस्वार इस्तेमाल की जाती है, जिसमें खुश्क शुदा सेब 1 तोला, जंगली अपलों की राख 1 तोला को अच्छी तरह रगड़कर मिलाकर महफूज कर लें। बवक्त जरूरत जरा सा सूंघना फौरी फायदा देता है। आंखों के वर्म के लिए सेब की पिल्टस मुफीद होती है। आंखों की जुमला बीमारियों को दूर करने के लिए सुरमा स्याह 1 तोला, कलमी शोरा 1.5 माशा, कफ दरिया 1.5 माशा, काली मिर्च 4 अदद लेकर 5 दिन तक तमाम अद्वायात को अरके सेब में खुरल करें। खुश्क होने पर शीशी में महफूज कर लें। रात को सोते वक्त 2-2 सलाइयां डालना बेहद मुफीद रहता है। अगर खुलकर अजाबत का ख्याल हो तो 1 सेब को दूध के अंदर इतना पका लें कि वो बिल्कुल नरम हो जाए। इसे अच्छी तरह मिल छान कर हस्बे तबीयत चीनी मिलाकर पीना फायदा देता है। दांतों का मंजन बनाने के लिए सेब के दरख्त का कोयला 2 तोले, सूंठ 1 तोला, नमक लाहौरी 1 तोला, फटकड़ी 1/2 तोला, तमाम अदविया को सफूफ बना लें और ये सफूफ हस्बे जरूरत इस्तेमाल में लाएं। अगर बही दाना 1 तोला पोटली में बांध कर बकरी के 1/2 सेर दूध में जोश दें, पोटली निकाल कर इस दूध में 3 पाव सेब का जूस मिलाकर पीने से नींद आना शुरू हो जाती है और इस तरह नींद की कमी वाली बीमारी से छुटकारा हासिल हो जाता है। शरबत सेब जो के असाबी ताकत देता है, इसको यूं तैयार किया जा सकता है। 1/2 सेर सेब को अच्छी तरह से जूस निकाल लें, फिर इसके अंदर अरके गुलाब 1 सेर का इजाफा कर लें। इसके बाद 1/2 सेर चीनी मिलाकर कवाम बनाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो आग से उतार कर ठंडा होने पर बोतलों में भर लें। 2 तोले शरबत हमरा पानी सुबह शाम इस्तेमाल करें। सेब को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि इसके मुफीद इज्जा दांतों में और मसूड़ों को मजबूत करें। अगर बच्चे को सेब की काशें तराश कर दी जाएं और बच्चा इसको चबा कर खाए तो इसके दांत बआसानी निकल आते हैं। सेब 1 अदद लेकर अच्छी तरह से
छीलकर थोड़ा नमक लगाकर सेब निहारमू 3 रोज तक खाने से सर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। भूख में इजाफा करने के लिए आध सेब जूस सेब में काली मिर्च जीरा और नमक मामूली मिकदार में मिलाकर पीने से फायदा होता है और गिजा भी जजुबदन बनती है। सेब का मुरब्बा 1 दाना सुबह वर्क नकरा में लिपट कर खाना मुकवीय कल्ब और मुकवीय दिमाग होता है, बिनाई को ताकत देता है। सेबो सफास स्वादी को रफा करना और वबा को नफा है, बिच्छू के जहर को दूर करता है। इसके लिए 1 पाव जूस दिन में 4 दफा पिलाएं और सेब का गोदा काटे वाली जगह पर बांधें। सफरा का गलबा और जोश खून को मुफीद होता है। कच्चे सेबों को गर्म करके वर्म पर लगाना मुफीद होता है। तुर्श सेब नसियान भूल जाने वाली बीमारी पैदा करता है।